गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, बिकॉज विदाउट द केमिकल फॉर्मूला यू कैन नॉट राइट द सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड्स। एंड जनरली स्टूडेंट्स कम इन टेंशन व्हेन द टीचर्स आस्क द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन। माय डियर स्टूडेंट, आप मेनी टाइम्स व्हेन यू टेक चॉकलेट, चॉकलेट लेते हो, टॉफी लेते हो, खाने की वस्तु नहीं है एक तरह से सोचो, उसमें भी कंपोजिशन लिखा रहता है। अगर कोई दवा लेते हो, दवा में भी कंपोजिशन लिखा रहता है। कंपोजिशन का मतलब हुआ वो कौन किस किस चीज़ों से वो बना हुआ है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट या एटम का एटम्स है, राइट। जैसे वाटर, वाटर में आपका H2O होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये पता चलता है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, H2, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। वाटर सिंपल लिया मैंने तो पता चल गया कि हाइड्रोजन के एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। उसी तरह से हम लोग जनरली यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या सिंपली सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट के नाम जाना जाता है, जो नमक हम घर में, किचन में या खाने में व्यवहार करते हैं, है ना। द सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड इन किचन, है ना, और टू मेक फूड आइटम्स, राइट, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इन दिस केस ऑल्सो सोडियम इज द सोडियम रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट, क्लोरीन रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ क्लोरीन एलिमेंट्स, Cl, वन एटम ऑफ क्लोरीन एलिमेंट्स, तो NaCl हो गया इसका फॉर्मूला, इसका नमक का, राइट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज NaCl। ये बात बताने का मेरा मकसद है, माय मोटो इज दैट कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला व्हेन केमिकल फॉर्मूला एंड व्हेन यू वांट्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट, है ना, व्हाट आर द नीड्स, क्या क्या जरूरत है, राइट। तो सारे बच्चों को उसका एलिमेंट का सिंबल का पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि आपको हर एक एलिमेंट का जो एक सिंबल है, है ना, वो आपको पता हो, मस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आयन्स की, क्योंकि वो मिलता है, H2O हुआ, NaCl हुआ, एन ए प्लस होता है, Cl माइनस होता है, राइट। कि प्लस और माइनस जो है दैट रिप्रेजेंट चार्ज, व्हाट इज चार्ज, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। और आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। चार्ज होता है दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यू कैन से दैट आयंस आर ऑल्सो टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, राइट, दैट इज सिंपली कॉल्ड कैटायंस, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, पॉजिटिव। एंड दूसरा होता है नेगेटिव आयंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एनायंस, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हो, राइट। अब देखिए यहां पर भी क्या है, आपको जितने भी हैं आयनिक फॉर्म में है, वो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। जैसे देखो, आप एक एटम का मतलब क्या हुआ, जैसे एन ए प्लस एक ही एटम है, सी एल माइनस एक ही एटम है, SO4 लिखेंगे तो 2- होगा, राइट। Al3 लिखेंगे तो एक ही एटम है लेकिन चार्ज 3 है, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, आप जब एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है,
बट दैट कंटेन सम चार्ज, राइट। ये हो गया आपका चार्ज, तो आप चार्ज को याद करना पड़ेगा। हम ये सारे बच्चे को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबको ये चार्ज पता रहना चाहिए। अब जो चार्ज होता है ना, वो भी हो सकता है कि सिंगल चार्ज हो या डबल चार्ज हो या ट्रिपल चार्ज हो, तो इसके नाम से मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट में भी इसको डिवाइड कर दिया गया है, राइट। मतलब अगर सिंगल चार्ज होगा तो मोनोवैलेंट आयंस, है ना, बाइवैलेंट दो चार्ज वाला, ट्राइवैलेंट तीन चार्ज वाला, टेट्रा मीन्स चार, चार चार्ज वाला, पेंटा नहीं होता, राइट। इस तरह से क्या होगा वो आप याद करना पड़ेगा, वो आगे क्लास पढ़ोगे। हम सोचते हैं कि नाइन वगैरह में होगा, अभी आप सेवन क्लास में हो, तो खैर इतना जानो कि चार्ज होता है। अब आपके बुक में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, भले बताते हैं आपको कि कैसे केमिकल फॉर्मूला को हम डील करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो शुरुआती दौर में, है ना, इनिशियली आपको ये बताया गया है कि सपोज करो कि कोई केमिकल सब्सटेंस है ना, कोई आपका केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। आप इसका कंपोजिशन देखिए कैसे सिंपली हम लिखते हैं। अब वो बता रहा है, मान लो कि उसमें एक एक एटम सोडियम का है, है ना, वन एटम ऑफ सोडियम, ये हो जाएगा, चलो सोडियम लिखते हैं पहले, वन एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, और वन एटम ऑफ थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन है। आओ देखो माय डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, तो सोडियम का आपको चाहिए एटम का सिंबल, वन एटम ऑफ सोडियम ले दिया एक, वन एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एन, थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन ओ थ्री, थ्री ओ नहीं लिखा जाता, तो क्या हो गया फॉर्मूला एन ए एन ओ थ्री, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। देखिए ऑटोमेटिक अपने आप हो गया, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखा गया एन ए एन ओ थ्री सोडियम नाइट्रेट, राइट। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का बोलते हैं, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी हम बोलना नहीं है कोई ऐसा है केमिकल सब्सटेंस, इसी आप ये सब्सटेंस ये हो गया, इसमें क्या है वन एटम ऑफ कार्बन है, फिर और टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अब देखो क्या करोगे, वन एटम ऑफ कार्बन एक सी का कैपिटल सी लिखोगे, टू एटम ऑक्सीजन ओ टू लिखोगे, दोनों को मिला दो क्या होगा सीओ टू, ये किसका फॉर्मूला निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो आपको मैंने डाइऑक्साइड, ये तो मैंने आपको समझाया क्या कि अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप लिखोगे, लेकिन अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तब क्या करोगे। इस केस में आपको हम एक तरीका बताते हैं, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एटम पे कितना चार्ज है और हम उसको कैसे, पहले याद करना पड़ेगा। तो कुछ आपको की सुविधा के ख्याल से हम आपको कुछ कुछ का बना देते हैं सिंबल एक चार्ट में, और आप कैसे बनाएंगे, है ना, उसको मैं फिर समझा दूंगा। तो आप देखो नेम ऑफ आयंस इस तरह से, राइट। अब इधर हम लिख लेते हैं कैटायंस, राइट, और चलो यहां भी नेम ऑफ आयंस ही लिखते हैं, नेम ऑफ आयंस विथ देयर चार्ज, राइट, एंड सिंबल आयंस विथ देयर चार्ज एंड सिंबल्स। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे बाल इसमें लिखते हैं हम लोग, पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिव आयन का, जैसे आपका सोडियम हुआ, नेम ऑफ आयन सोडियम, चलो सोडियम हुआ, सोडियम को हम जान के चलते हैं, मान लो कि आप जानते हैं Na+, ये सिंबल हुआ, ये चार्ज हुआ। पोटासियम, K+,
मैग्नीशियम, Mg प्लस टू, टू प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिंक प्लस टू ही लिखते हैं। उसके बाद और कॉपर, कॉपर में दो होता है, Mcu टू प्लस टू लिखते हैं, कॉपर में हो जाता है कॉपर और क्यूपरस एंड क्यूपरिक। चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी लिख देते हैं। चलो इसमें H प्लस होता है, ऊपर लिख सकते हो, चलो चला कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आयरन, जिंक, आयरन लिख देते हैं, आयरन तो ज्यादा फेमस है। चलो प्लस टू और आगे बढ़ाओ। इसके बाद एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम प्लस थ्री प्लस। इसके बाद अमोनियम, NH4 प्लस। और कुछ का लिखते हैं, चलो इतना ही रहने दो। अब इधर लिखो कैटायन, हो गया एनायन, एनायंस निगेटिव चार्ज वाला। तो निगेटिव चार्ज वाले में भी आप ढेर सारा लिख सकते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड ऑक्साइड, क्लो क्लोराइड, सीएल माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें सब आता है राइट। ऑक्साइड तो ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या होता है ऑक्साइड, ओ टू, ओ माइनस टू लिख देते हैं, ओ माइनस टू। हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस। इसके बाद कार्बोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट, कार्बो नेट, CO3 माइनस टू, सल्फेट SO4 माइनस टू, सल्फाइड भी होता है माय डियर, सल्फाइड होता है, ये SO3 होता है, चार्ज इसमें ही माइनस होता है राइट। चलो दो याद करो, सल्फाइड भी होता है, नहीं लिखेंगे। नाइट्रेट NO3 माइनस टू, नाइट्रेट, नाइट्राइट। उसके बाद फॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉस्फेट PO4 माइनस थ्री राइट। और एसीटेट, एसीटेट CH3 COO माइनस, कितना चार्ज होता है माइनस वन। तो इस तरह से आपका एक चार्ट बनाया मैं, ये केटायन है और ये एनायन है, बहुत सा हो गया, और भी होता है ना, आगे और भी पढ़ोगे, वो ज्यादा हम विस्तृत नहीं करना चाहते। अब आपको हम बताएंगे कैसे इसका आप लिखेंगे, क्या चीज, केमिकल फार्मूला राइट। तो हम देखिए ये बता देते हैं आपको, जैसा आप यहाँ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहां से लेते हैं सोडियम और क्लोराइड, तो लिखे थे पहले भी, देखो सोडियम क्लोराइड राइट। तो देखो मैडम, सबसे पहले हम लोग कैटायन वाले टर्म को लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एनायन वाले टर्म को। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या हुआ, एन आयनिक फॉर्म में क्या हुआ, प्लस प्लस वन, नायन लिखे ना लिखे बात सेम है, चलो प्लस वन लिख देते हैं। क्लोराइड का क्या हुआ, सीएल माइनस। और यहां पे ध्यान देंगे आप, जब हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो आपका यहां पर एन ए प्लस है, ये चलाएगा इसके नीचे स्क्रिप्ट में, और
और ये आपका चला जाएगा इसके नीचे। देखो क्या करो, इसको करके देखो, NaCl यहाँ वन आ गया, वन आ गया, वन लिखने का परिपाटी नहीं है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा NaCl, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। लगता है आप समझ में आ गया होगा, फिर और देते हैं, कई एक लिखेंगे जान करके। चलो कोई बच्चे लिखना चाह रहा है पोटासियम सल्फेट, कैसे चाह रहा है पोटासियम तो इसके क्या आवश्यकता होगा आपको पहले सो बताइए। तो पोटासियम का फॉर्मूला क्या होगा, एनी फॉर्म में K+, देखो K+, सल्फेट का SO4-2। अब हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस बोलते हैं इसको, ये जो है ये आपका ग्रुप ऑफ एटम्स, ये यहां चलाएगा, और ये जो आपका है चार्ज ये इसके नीचे लिखा जाएगा, लिखना चाहेंगे। अब ये क्या हो जाएगा देखो, तो के SO4 तो हो जाएगा, लिख लिख लोगे, और इसके यहां पे कितना था +1 था, तो यहां पे क्या आएगा इसके नीचे आएगा 1, और यहां पे 2 जो था इसके ऊपर ये आ जाएगा इसके यहां। अब क्या आ जाएगा इसका नाम बताओ, K2SO4, ये क्या हो गया पोटासियम सल्फेट, राइट। उसी तरह से हम लिखना चाहें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या चाहें मैग्नीशियम नाइट्रेट, पहले देते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब देखो माय डियर, फिर क्या करोगे, पहले लिखोगे मैग्नीशियम का Mg, बोलो Mg+2, और नाइट्रेट NO3, और नाइट्रेट क्या होगा माइनस NO3-1 होगा, राइट, नाइट्रेट का NO3, तो ये आपका कितना हो गया -1, राइट। अब क्या करोगे, इसका चार्ज आएगा यहां पे, और इसका चार्ज जो है ये जाएगा यहां पे, और तो क्या हो जाएगा Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3, तो लिखोगे, अब ये 1 आ गया यहां पे तो 1 लिख दो, और नाइट्रेट क्या है ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ आपका मैग्नीशियम का 2 होता है ना, तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला MgNO3 का होल 2, मैग्नीशियम नाइट्रेट, राइट, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, राइट। अब आप अगर चाहते हैं लिखने के लिए क्या, चलो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट तो क्या लिखोगे, देखो सोडियम का Na+1 हुआ चार्ज, नाइट्रेट का NO3-1 हुआ, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ब्रैकेट लिख सकते हो। अब इसका 1 यहां आया, और इसका जो 1 है कहां चला गया, इसके पास चला गया, तो वो क्या हो गया NaNO3, क्योंकि 1 सफिक्स लगा हुआ है, आप चाहे 1 लगा सकते हैं, लेकिन 1 लगाने का ट्रेंड नहीं है, परिपाटी नहीं है, ऐसा नहीं लिखते, इससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो जरा NaNO3, ये क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट, राइट। अभी और हम बताते हैं आपको, उसके बाद आप अगर और हम दो चार पांच और बता देते हैं, ताकि आपको इस समझ में आ जाए पूरी तरह से कैसे हम लिखते हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लिया आप लीजिए अल्मोनियम, अल्मोनियम का एक भी नहीं लिखे लिया, अल्मोनियम सल्फेट, क्या लिखना चाहते हैं अल्मोनियम सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, तब देखिए हम क्या बताए थे आपको, पर लिखना है अल्मोनियम का Al, और इस पर चार्ज कितना है देखिए तो यहाँ पे 3 है, चलो +3, सल्फेट का SO4 बड़ा वो होना चाहिए, ध्यान रखना ये सब चीज में, ये सिंबल है, आप SO4 ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा ये, राइट। सल्फेट का चार्ज कितना है -2, अब क्या करोगे, इसका जो चार्ज है बताया पहले ही, इसका चार्ज ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इसका 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे लिखाएगा, तो लिख दो इसको Al2SO4, और क्या देखो ये क्या आएगा 3 आएगा, 3 नहीं,
H2SO4 3 हो गया, इसका अल्मोनियम सल्फेट का। अब अगर आप चाहते हैं लिखने के लिए, चलो क्या लिखना चाहते हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का Cu+2, सल्फेट का SO4-2। अब तो यहां पे दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन हम पहले लिखते हैं, जो तरीका है वैसे अपनाते हैं, राइट। देखो ये टू कहां चला जाएगा, इसके पास ये टू कहां चला जाएगा, यहां पे। अब दो क्या हो गया है, Cu2SO4 2। अब चूंकि दोनों में कॉमन है 2 2, है ना, तो ऐसा नहीं लिखा जाता, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा, Cu SO4 नहीं, कॉपर सल्फेट। ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। इस तरह से आप माय डियर स्टूडेंट अगर चाहोगे तो सारे जितने भी आपको देंगे केमिकल कंपाउंड उसका फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो। और अब मुझे विश्वास लग, ऐसा हम सोचते हैं या विश्वास हम करते हैं कि आप लोगों को इस तरह से कई एक का केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। और एक फाइनली आपको आइडिया देना चाहते हैं कि देखो इसी से अगर एक सोडियम लोगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, तो कितना हुआ, एक सोडियम से अगर बनाना चाहोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंपाउंड बनेगा सोडियम से, केवल ये 9 बना, राइट। और इधर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख सकते थे 10, तो चलो 9 ही है यहाँ पे, यहाँ पर मान लो ऐसा ऐसा कितना 9 है, और एक सोडियम कितना बना 9, 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, और इसको अगर बढ़ा दो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, एक बढ़ेगा तो 10 बढ़ जाएगा, राइट। इस तरह से आप चाहोगे यू कैन आर एबल टू राइट द 100 और मोर देन 100 केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन वेरी इजी वे, राइट। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वह कैसे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके इससे संबंधित हम बात आपको बताएंगे, हमें लगता है कि वो भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, ये भी आएगा, राइट। इसको आप अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और फिर अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, राइट। क्योंकि ये देखिए ये केवल 7 से नहीं है, 7 8 9 10 11 12 केमिस्ट्री, तो अगर केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला जानोगे नहीं तो केमिस्ट्री कहाँ से आएगी, राइट। तो आप पूरा तन मन से इसको पढ़िए, सुनिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और 81 कंपाउंड केमिकल कंपाउंड आप इसी से लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला, राइट। और बहुत से ज़्यादा है, क्लोरेट है, क्रोमेट है, राइट, इस तरह से और सा क्रोमियम का है, बहुत सा मेटल पार्ट का है, उसी तरह इधर भी आयनिक है ना, एनायन में भी बहुत और है, डाइक्रोमेट, इस तरह से है और भी है। तो ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि फिर आपके सिलेबस से हम बियॉन्ड चले जाएंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप मन से पढ़िए और कीजिए। ऑल द बेस्ट।